अभी मैं आया हूँ कार वॉश एरिया में कार को वॉश करवाने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुल्तान। लेकिन 4 घंटे का सफर है, आई डोंट नो कैसे तय होगा। मम्मी अपने आज बहुत जल्दी पहुँचा दी है, धूप में पहुँच गए हम। आपका बेटा बड़ा कमाल का ड्राइवर बन गया मम। अब आप हैवी ड्राइवर बन गए, अब ट्रक ले देती हूँ। क्या बोला तूने? ट्रक ले देती हूँ, तो अब आप अपना लॉ छोड़ो, तो अब ट्रक ड्राइव किया करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आ गया तू जवान हो गया। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सो अभी मैं आया हूँ कार वॉश एरिया में अपनी कार को वॉश करवाने, क्योंकि बहुत ही लंबा सफर है आज, 4 घंटे का सफर है आज, बिकॉज मैं जा रहा हूँ मुल्तान। तो मैंने सोचा इतना लंबा सफर है, 4 घंटे का सफर है, तो इससे पहले कि मैं कार वॉश करवा ली जाए, और इसके साथ मामा भी हमारे साथ हैं, उनकी फैमिली में हम जा रहे हैं, तो अभी कार वॉश करवा। जब मैं कार वॉश करवाने के लिए आया था, भाई खड़ा हुआ था, तो उनका जनरेटर नहीं चला था। मैंने पूरी सर्विस चाहिए, मुझे पूरे वॉशिंग चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हो सकती क्योंकि जनरेटर ऑफ है। तो मैं आया पहले मुदस्सिर भाई के पास, और ये वायदा भाई, ये ऑनर है शॉप के। ब्रो कैसे हो, ठीक हो? तो भाई ये ऑनर है शॉप के, और इनको मैंने आगे कहा कि मतलब ये मसला है। तो ब्रो थैंक यू यार, आपने सर्विस और वॉश वगैरह के लिए ये एक्सेप्ट, थैंक्स ब्रो। का क्या सीन हुआ है, मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। गाइड डाउन करवाई है ब्रो, मैंने गाइड फुल डाउन करवा दी, और मतलब इसका ये फेंडर ही लग लग के ना, ये टायर की साइज ने सोचा ना मैं टायर की साइज चेंज करवाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मेरा करवाऊंगा, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी करवाऊंगा, मेरे एक्सक्यूजेस, लेकिन बहुत जल्दी करवाऊंगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं, उर्दू में बोले, इंग्लिश नहीं आती हमें। नहीं, ये झूठ बोल। मोहब्बत प्यार की बात होती है सारी। ओके सो यार गाइस, मामा जा चुकी हैं सैलून में, बाकी अभी वो खड़ी है हमारी कार, और अभी फुल वॉश करवाई है, फुल नो फुल सेक्सी बना दी है कार को हमने। सो या आई एम वेटिंग फॉर हर, आई एम वेटिंग फॉर माय मम। जैसी वो आएंगी तो हम बहरे के गेट से निकलेंगे, एंड फिर हम चलेंगे मोटरवे पे। लेकिन 4 घंटे का सफ़र है, आई डोंट नो कैसे तय होगा। मुझे ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब मोटरवे सीधी रोड, लेकिन व्यू अच्छा है, कोई बात नहीं, हम माहौल बना लेंगे, अच्छे सॉन्ग्स लगा लेंगे। यो सोया, लेट्स गो। सोया आई जस्ट वांट टू से दैट, मैं भूल गया था, लेकिन मुझे भी याद आया कि मैंने व्लॉग्स अपलोड नहीं किए। सो मैं तुम सबको सॉरी कहना चाहूँगा यार, बहुत सीरियस सिचुएशन बन चुकी थी। एक तो मेरी तबीयत बहुत ही सीरियस थी, बहुत ही क्रिटिकल थी, और दूसरा ये मैं यूनिवर्सिटी के पेपर से मैं पढ़ाई कर रहा था, और तबीयत ख़राब थी, रुकने स्टडी और प्रेशर था, बहुत मैंने क्लियर किया। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और अब एवरी संडे, एवरी के एवरी संडे ब्लॉग्स आएंगे। सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो,
हर संडे व्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। अभी तक सैलून में और मैं सीरियसली बाहर वेट करता अगर थक चुका हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, मैं धूप में नहीं रख सकता। धूप ऐसे ही बहुत ज़्यादा है और लिटरली मैं धूप में 5 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट बड़े मुश्किल से रहता हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। जो मेरे खास खास लोग हैं, जो मेरी फैमिली हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज हैं बहुत, उनको बता के मुझे धूप से एलर्जी है और मैं धूप बर्दाश्त मेरी स्किन नहीं करती। आई डोंट नो क्या मसला है लेकिन मुझे ही है ये बचपन से। सो या मैं धूप में वेट नहीं कर सकता। और बाकी हम यहाँ कर रहे हैं वेट मामा का, जैसे मामा आएंगे हम लोग चलेंगे मुल्तान। बाय द वे एसी ऑन कर लिया है हमने, एसी में रहूँ तो ठीक रहता हूँ, बाहर रहूँ तो ठीक रहता हूँ, जो भी बात दैट्स इट। सो या अभी लगाते हैं कुछ प्यारे से कमाल के सॉन्ग्स जिससे मूड अपना फुल हैवी हो जाए, फुल फ्रेश हो जाए, सीन बन जाए और फिर जो 4 घंटे मुल्तान के वो हम इजीली स्पेंड कर सकें। सो या लगाते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो अभी हम ऑन द वे हैं मुल्तान, सिर्फ 1 घंटा रह गया। बाय द वे मामा हमारे साथ हैं और बाकी व्यू तुम लोग देख सकते हो यार, व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही कमाल का है। साइड पे ग्रीनरी है और यू नो एंड यार राइट पे सन है, ऐसा भी उस पर सीन बहुत ही क्लिक करते हैं और यू नो बहुत ही गुड वाइब आती है, बहुत शक्ल होता है। मेरे मामा को कहा है कि मुझे भी वहाँ जाते साथ खानी है बिरयानी, क्योंकि मैंने अभी सच बताऊँ सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं उसके साथ ही जिम चला गया। वो बहुत लंबी कहानी तुम लोग वो बताऊँगा अभी आगे जाके, लेकिन अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं मुल्तान की तरफ और सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रैफिक है, यस ट्रैफिक तो है लेकिन व्यू अच्छा है मामा। कैसा व्यू है आपको, आपको कैसे लगता व्यू है ना, ये साइड पे रिलैक्सिंग है ना, ट्रैफिक पे ग्रीनरी है, राइट पे सन है, फ्रंट पे हो एक एंड पर लगी व्यू है ना, मौसम बहुत अच्छा है। मैं पहुंच के फिर कॉल कर दूंगी इंशाल्लाह। पापा एक कॉल है, पूछ रहे हैं कहां पहुंच गए, क्या कह रहे थे पापा, 25 मिनट अपने आज बहुत जल्दी पहुंचा दिए, धूप में ही पहुंच गए हम। आपका बेटा बड़ा कमाल का ड्राइवर बन गया मम। हाँ अब आप हैवी ड्राइवर बन गए हो, अब मैं ट्रक ले देती हूँ। है क्या बोला तूने, ट्रक ले देती हूँ तो अब आप अपना लॉ छोड़ो, तो अब आप ट्रक ड्राइव किया करो। सीरियसली हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, वह मतलब यह होंगे कि उन्होंने तकलीफा ना डील करना होंगे। जब आप छोटे थे आप शोर मचा देते थे, क्यों गाड़ी रोको मैं ट्रेन, जब तक पूरी गाड़ी चली नहीं आती थी ना उस वक्त तक हम गाड़ी रोक ही रखते थे। सीरियसली याद नहीं है, ट्रेन देखने के लिए मैं गाड़ी रुकवा देता था, आप सब मेरे मुंह देखते थे और आप पापा को रोक लेते थे और तेरे पापा पहले शोर मचा देते थे, क्यों कि रूमी ट्रेन आ रही है, रूमी ट्रेन आ रही है, बस गाड़ी रुक गई है जी। मतलब जब तक ट्रेन गुजरती तब तक गाड़ी वही वही खड़ी। हाँ फिर वो ट्रेन जनाब गुजरेगी फिर हो जाएंगे, फिर आपके पापा चलाते थे। सो या मैं आ चुका हूँ फाइनली मुल्तान और 4 घंटे का सफर तय हो चुका है। सीरियसली एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि कल थी मेरी लेग्स की गेम और आज ड्राइव 4 घंटे की मैंने की। सो भाई सीरियसली आई फील जो जिम करते हैं ना उनको पता है कि जब एक दिन लेग्स की और अगले दिन आपकी 4 घंटे की ड्राइव हो तो
मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बुरा हाल हो गया था यार। सब कोई मसला नहीं यार, मामा करिए हम जान भी देखते हैं, कोई बात नहीं। सोया मैं बहुत ही थक चुका हूँ और अभी तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल रात है यहाँ पे, बिल्कुल रात है। मैं बहुत ही टाइट फील कर रहा हूँ, सो अब मैं जाके बेड पे गिर जाऊँगा, सो जाऊँगा और जो करना है सुबह करेंगे। सुबह मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है, मुझे और आपको। और अभी के लिए यार ये ब्लॉग करते हैं एंड। सो गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के साथ ये बेल का निशान होगा, इस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे ये होगा कि मैं जब भी ब्लॉग अपलोड करूंगा तुम लोगों को YouTube नोटिफाई कर देगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि रुमान सोहेल ब्लॉग्स ने न्यू ब्लॉग अपलोड किया है, है ना मजे की बात। तो यार गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। पीस। थक गया यार।